हाय गाइस, आज की वीडियो में हम ब्लैक स्मोकी आई क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैंने पहले आईलिड पर अच्छे से कंसीलर को लगा लिया है एंड इसे मैं अपने फिंगर की मदद से ही इसे ब्लेंड कर लूँगी एंड ये इजीली ब्लेंड भी हो जाता है। सो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कंसीलर को सेट करना। इसके लिए मैं अपने कॉम्पैक्ट पाउडर को अच्छे से अपने आईलिड पर सेट कर लूँगी जिससे कि हमारा जो आई मेकअप है वो अच्छे से लगे एंड क्रीज ना हो। सो अच्छे से जहाँ जहाँ हमने कंसीलर अप्लाई किया वहाँ वहाँ अच्छे से कॉम्पैक्ट को अप्लाई कर ले। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक ब्लैक काजल पेंसिल लूँगी एंड इसे अपने पूरी आईलिड पर अप्लाई करूँगी इस तरह से। क्रीज पर आप मत जाएं, बस इसी तरह से आईलिड पर अच्छे से अप्लाई कर ले। देन इसके बाद हम इसे स्मज करेंगे। सो इसी तरह से हम काजल को अप्लाई कर लेंगे एंड देन हम इसे एक स्मजर की मदद से स्मज करेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक स्मजर ब्रश लिया है, इसे मैं अच्छे से स्मज कर लूँगी। अच्छी तरह से इसे स्मज कर लें। ब्लेंड कर ले एंड ब्लेंड होने के बाद आप थोड़ा लोअर लैश लाइन पे भी इसे अप्लाई कर ले, स्मज कर ले जिससे कि हमारा जो आई मेकअप है वो इवनली लगे। जो भी लेफ्ट प्रोडक्ट है सो इस तरह से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर एक ब्लैक आई शेडो लूँगी एंड इसे पूरी आईलिड पर इसे अच्छे से प्लेस करूँगी। अपनी पूरी आईलिड पर इसे अच्छे से प्लेस कर ले। इसी तरह से आपको प्लेस करना है। देन एक ब्राउन आई शेडो लेकर उसे इस तरह से आउटर वी पर प्लेस करते हुए आपको इसे क्रीज के अंदर तक इसे ले जाना है एंड इसे स्लोली स्लोली हल्के हाथों से इसे ब्लेंड करना है। इस तरह से आपको हल्के हाथों से ब्लेंड करना है एंड इसे लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर ले जिससे कि हमारा आई मेकअप जो है वो इवन लगे एंड ये रहे। सो यहाँ पर इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले। अच्छे से ब्लेंड होने के बाद मैं यहाँ पर लोअर लैश लाइन पर अच्छे से काजल को अप्लाई कर लूँगी। आप अपने वाटर लाइन एंड टाइट लाइन को अच्छे से काजल कर अप्लाई कर ले इस तरह से जिससे कि एंड थोड़ा सा डेप्थ दे दे जिससे कि दोनों इवन आउट लगे। सो ये रहा हमारा फाइनल लुक। इसे मैंने मस्कारा से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, ब्लैक स्मोकी आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सबके साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। स्टे ब्लेस्ड। अभी के लिए बाय बाय।